सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से खेल जाए पोकेमोन रॉकेट एडिशन सीजन 1, जहाँ पे लास्ट एपिसोड में हम लोग को प्रमोशन मिल गया था, जियोवानी ने हमें प्रमोट कर लिया था। एंड उसके बाद हम लोग को सिनेमा आइलैंड आना पड़ा क्योंकि बिल ने बताया कि मास्टर बॉल के बारे में कुछ पता चला उसको। तो चलो, मास्टर बॉल का पता चल गया कि बिल के पास एक ब्लू प्रिंट है जिससे हम दूसरा मास्टर बॉल बना सकते हैं। अब हमें कुछ आइटम्स चाहिए होंगे जो कि एप्रिकॉन, जो तुम्हें पता ही होगा जिससे पोकेबॉल्स बनते हैं। तो हमें एक एप्रिकॉन ढूंढना होगा विरेडियन फॉरेस्ट में। तो चलो तलाश शुरू कर लेते हैं उसकी। ओके, ये रास्ता नहीं आई गेस, यहाँ नहीं, यहाँ से। ओके, इस बंदे को तो हरा दिया हमने। ये तो सिल्वर है आई गेस। तुम वही ढूंढे हो ना जो मेरे डैड के साथ काम कर रहे थे? वो पूरा टाइम सिर्फ तुम्हारे छोटे ज्ञान को ही देते हैं। ओके, और अब वो टूट रहा है। नंबर 1 इन द वर्ल्ड, वो खुद को बचा नहीं सकते छोटी छोटी चीज़ों में, और बड़े आए नंबर 1 बनने वाले। डबिंग अच्छा चल रहा है इस समय, क्या मजाक है। ओह, तुमने नहीं सुना ना? तो सुन लिया। हाँ, वेल, तुम्हारे लिए बैड न्यूज बताने मत देना। ओके, ये एप्टीट्यून ले लेते हैं। ओके, तो मतलब सिल्वर अपने डैड की, सिल्वर अपने डैड से चिढ़ता है। ओके, तो हमें अर्जेंटली सेलेडॉन बेस में जाना होगा क्योंकि पोते पेजर से पता चले कि वहाँ पे कुछ तो हंगामा हो रहा है। चलो देखें। तुम ना समझ लो, गिरैटिना तुम सबको निकल जाएगा। ये वो लड़का, उसने एक एक करके तुम सबको हरा दिया और प्रेसिडेंट के रूम तक का रास्ता मिल गया उसको, और मास्टर बॉल के सर वो भाग गया। तुम सब की आंखों के सामने से ना समझो, कुछ कहना चाहते हो तुम लोग अपने आप को बचाने के? क्या हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई है? क्या कई टीम ड्राती के फिर से उसका देख पाएगा? बताओ मेरे जवाब दो बदमाशो, क्या हम महान ज्ञान बन पाएंगे इस रीजन के, या फिर हम बेकार से बच्चे बने रहेंगे? महान गैंगस्टर कैंटो में है, आए आए बॉस, हम उस बच्चे को हरा देंगे। चुप, तू ना समझ बेवकूफ गधा। मैंने तुझे कितनी बार वार्निंग दी थी ग्रंट, पर तू अभी भी ना समझ। वो चार की क्या फायदा जो तूने लिया था? ओके ओके, नहीं दो तीन हटा, हमें छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ गधे। तुम्हारे चेस्ट में जो ये आर वो दे, तुम इस लायक भी नहीं हो। अरे फिर से देखा तो रॉनी चला गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि एक चीज तो पती है, वो लाल बच्चा, उसने हमारे साथ हर बार लड़ा। सुन लो, हम टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर से वेरियस जिम में रिलोकेट करेंगे। इस बिल्डिंग को छोड़ दो, एडमिन एग्जीक्यूटिव इसका मतलब अगला पेजर भी विरेडियन सिटी में आएगा, विरेडियन जिम में। ओके, जब ये आखिरी बैच लेने पहुंचेगा ये बच्चा, तैयार रहेंगे हम सब और हम अपना बदला लेंगे। सब समझ आ जाए ना, मूव। ओके, मैं सिनेमा आइलैंड आ चुका अब। ए, मेरे से बात मत कराओ, आज सुबह क्या तुम लिया वो मटेरियल्स? बढ़िया। ओके, तो इसलिए तो अब हमें वो प्रोटोबॉल प्रोसेसिंग चिप चाहिए शुभम, वो तुम्हारे रॉकी हेडक्वार्टर से टॉप में है। ओके, तो मतलब हमें वापस सेलेडॉन सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ भी मिलेगा हम लोग को। तो ये हम तलाश शुरू कर लेते हैं और ये टॉप फ्लोर में मिल गए।
है, ये मैंने देखा है। बंदी को जो हरा दिया, इससे मैं इस 9 टेस्ट ले लेता। हाँ बढ़िया, बदमाश एग्जीक्यूटिव। हाँ बंदा तो भाग गया। अब सिनेबार आइलैंड पहुँच जाते हैं। ओके तुम्हें चिप मिल गई शुभम, बहुत अच्छे, जल्दी दो। ए बुरो की टोली, हम प्रोडक्शन के तैयार हैं। वेल हो गया, कितनी अच्छी लगी है ना, तुम लोग को नहीं लगता? अब थोड़ा शांत हो जाओ, अब सुनो मैं क्या कहने वाला, ध्यान से सुनो। ओके जिस पोकेमॉन की हम तलाश कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंसान जाने कहाँ पे है। ओके क्या छुपा हुआ? और वो इंसान सिगेटी। हाँ शुभम, सिगेटी वो आखिरी साइंटिस्ट था जो हमारे साथ म्यूटो प्रोजेक्ट में काम किया था। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑफकोर्स किसी ने भी उस आदमी को 10 साल से नहीं देखा। हमें बस इतना पता कि वो साहब नहीं आया, इसके अलावा कुछ नहीं पता। ओके तो अब हम उस लापता जाए पुराने साइंटिस्ट के बिना कैसे करेंगे? उसकी कोई आइडिया? म्यूटो जानते वो क्या हो गया। वाह ब्रो क्या, और ऐसा क्यों कह गया वो? ये मस्त आला थे। उसको हाइड करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। जब हमने DNA 1 साल मर्जी किया था तो दुनिया पे ये लोग बेटा की DNA वगैरह की बात कर रहे हैं। मेट्रो यानी कि अब लगता है वो साइंटिस्ट ही बताया। मास्टर बम मिल गया शुभम, ये बॉय बहुत ताकतवर है। म्यूटू को पता है? नहीं, जाओ सेरुलेंट के वहाँ म्यूटू से बैटल करो और पता लग जाती वो कहाँ छुपा हुआ है। ओके 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 तो हम लोग अंदर समय मिलेंगे जहाँ पे हम लोग म्यूटू से बैटल करेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।